राम राम सभी ने। आज के व्लॉग में मैं कवर करूंगा थार का म्यूजिक सिस्टम कितना अपग्रेड करवाना चाहिए। थार की दिक्कत की है, इसके स्टॉक के जो स्पीकर्स हैं एकदम बेकार आवाज़ आ रही है। ऊपर तो यह तो बेरा है, इसमें स्पेस की थोड़ी सी कमी है, बूट स्पेस तो नाम बराबर है। अगर सब ऊपर वहाँ लगवा ले वहाँ तो वो स्पेस भी चला जाए। तो एक बढ़िया सा जुगाड़ टोया है जिससे वो बूट स्पेस भी बचाया जा सके, हर सब ऊपर भी लग जाएगा। तो पूरी जानकारी खतर बने रही हो वीडियो का आखिर तक। इसमें थोड़ा सा काम पहले तक करवा रखा है, उसका वॉक थ्रू में करवा दी हुई। तो यह एक तो स्टेप नहीं कवर और अंदर का थोड़ा सा काम है, ये सारा बिमरा 4x4 से करवाया है, इनकी वर्कशॉप है गुड़गांव में। अंदर इसके क्या क्या काम हो रखा है, डैम्पिंग हो रखी है डोर्स की, फ्लोर की, रूफ की, बोनट की। रूफ की अगर डैम्पिंग करवाते हो तो ये रूफ लाइनिंग की भी जरूरत पड़ेगी, इससे लुक भी बढ़िया हो जाए, इंसुलेशन बढ़ जाए है, तो यह करवानी चाहिए साथ में। इसमें स्पीकर लगवाए हैं एल्पाइन के, 4 चैनल एम्पलीफायर, हाई लो कन्वर्टर, सारा सिस्टम लग रहा है। आउटपुट अच्छी खासी बढ़ जाओ उसके, पर बेस को नहीं आती बढ़िया वाली, और बिना बेस के गाने सुनना मतलब फिक्की चाह पीने वाली सी बात हो जाए। इसमें बस रह रहा है सब वूफर लागना, वो लागेगा करोल बाग ते। और सब वूफर जो मैं लगवान जान लग रहा हूँ वो है जेएल ऑडियो का, उस खातर बूट स्पेस भी नहीं चाहिए, वो अंदर ही लग जाएगा। ये दोनों जगह बिमरा 4x4 गुड़गांव और जहाँ मैं ये सब वूफर लगवान जान लग रहा हूँ करोल बाग ऑटो म्यूजिक एम्पोरियम, दोनों का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देखने लग रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और यह जानकारी काम की लग गए तो लाइक और शेयर भी करें, और भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सको। गुड़गांव से यो जो रास्ता जाओ दिल्ली एयरपोर्ट साइड से, इस पर यो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो रहा है, या 3 महीना खतर समस्या रहोगी या डाइवर्जन आ रही तो पी कार्स पर अच्छा खासा जाम मिल सके। यह होगी है भाई एंट्री करोल बाग में। करोल बाग भीड़भड़ा काला एरिया है, तेज जान की दुकान हो रहे, छोटी छोटी सी एक के ऊपर एक। यो तो सवेरे सवेरे पहुंच गया था मैं मार्केट खुलने से पहले, तब इतनी भीड़ को लग गया। जब भीड़ वाले टाइम पर आओगे तो उड़े तो एक टर्न मिस होया तो टर्न लेने में भी पसीने छूट जाएंगे। तो बड़ा ध्यान दें, अपना मैप ना फॉलो करें। यहाँ छोटी छोटी सी शॉप्स वहाँ हैं तो उनके अंदर गाड़ी खड़ी करने की जगह को नहीं, और दुकान का आगे गाड़ी खड़ी करके काम करें गाड़ियाँ का। तो जितना जल्दी आओगे उतना सही रहेगा, आगे जगह मिल जाएगी, नहीं तो जगह ऑक्यूपाइड रही तमने किसी दुकान तक काम कराना है तो जब तक वह जगह खाली नहीं होगी तम घूमते रहियो अपना पार्किंग ढूंढते, यो सिस्टम हो जाए। यह लगा दी है गाड़ी, उरे इसका काम होगा, अब तक तो दुकान भी ना खुली है, खुलन वाली है। करोल बाग की सबसे बड़ी दिक्कत यह लागे है मैंने, इतनी भीड़ी भीड़ी गली है और गली में गाड़ी ने खोल दे, एक के लाग दी एक गाड़ी खड़ी रहोगी जमा, तो उरे लापरवाही के चांस थोड़े से बढ़ जावे हैं, स्क्रैच लागना, डेंट पड़ना, कोई पार्ट मिस हो जाना, तो यह दिक्कत है। सर पर खड़ा रहना पड़े जब तक काम नहीं हो जाए ध्यान रखने खातर। यह चीज अगर प्रोफेशनल वर्कशॉप से करवावे तो इस चीज की सरदर्दी कौन रहे, और वैसी सर्विस मिले है बिमरा 4x4 से। यह अनबॉक्सिंग होगी है अपने जेएल ऑडियो के सबवूफर की, एकदम कॉम्पैक्ट सा साइज है इसका, फिट होने के बाद दिखाऊंगा गाड़ी में, कोई ज़्यादा स्पेस नहीं लेगा। ये कमल भाई हैं इस शॉप के ओनर, ये आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें सजेस्ट कर देंगे। अगर आप म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करवाने लग रहे हो तो उसके साथ साथ डैम्पिंग करवाने की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपने अगर पहले से नहीं करवा रखी है तो ये लोग डैम्पिंग भी कर दे हुए हैं यहीं पे। उसके अलावा भी और भी कोई चीज़ अगर मॉडिफाई करवानी है, बम्पर वम्पर, एम्बियंट लाइट, ये सारे काम होंगे। यो काम स्टार्ट हो गया है अपनी गाड़ी का। इसमें पहले तो स्पीकर अपग्रेड करवा रखे थे तो उस खातर भी एक एम्पलीफायर लग रहा था, पर सब वो खातर अलग से मोनो एम्प की ज़रूरत पड़ा है तो उसकी भी पावर सप्लाई जाओगी अलग से। यो काम कंप्लीट होने के बाद फिर दिखाऊंगा
कैसा लगा है अंदर से, कितना स्पेस ले होगा वो सब ऑफर। उसके अलावा डांसिंग इनोवा भी दिखाऊंगा इस वीडियो में आगे, तो बने रहियो आखिर तक और सब्सक्राइब जरूर कर लियो भाई। यो लाग के तैयार हो गया अपना सब ऊपर, देख लो कितनी जगह ले है। यो ड्राइवर सीट का जस्ट पीछे ला गया है, इसने बूट स्पेस भी नहीं लिया और आउटपुट इसकी मोर देन सफिशेंट है, सीट में वाइब्रेशन फील हो। प्राइस की अगर बात करें तो वो वेरी कर सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं स्पीकर्स के, इन्फिनिटी, जेल ऑडियो, एल्पाइन, ये बजट से प्रीमियम तक रेंज रहती है इनकी। मैंने एल्पाइन के स्पीकर्स लगवाए हैं, उसके साथ 4 चैनल एम्प लगा है। सब वूफर मैंने जेल ऑडियो का लगवाया, उसके साथ मोनो एम्प लगा है। एम्पलीफायर की भी अच्छी खासी कॉन्ट्रीब्यूशन रहती है आपकी ओवरऑल कॉस्ट में, और उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो आप अब पता कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। उसके अलावा भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा लाइव अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, वहाँ पे भी आप DM कर सकते हैं, और जानकारी काम की लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।